अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकराश बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकराश बासी 2011। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जिस तरह के हम मरी आए हुए थे क्योंकि एक हफ़्ते की और छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो इस तरह के ये हमारी एक कच्ची मिट्टी का एक कमरा है, तो उसको जिस पहाड़ी ज़ुबान में हम सरनी बोलते हैं, तो आज मज़दूर बुलाए हुए थे तो उसको डिमोलिश करवाना चाह रहे थे हम लोग। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो यह जो हमारी जगह जिसको अभी मैं आपको बता रहा था कि सरनी, तो ये क्योंकि दादा अबू के वक्त में लोग ऐसे ही जगह बनाते होते थे, तो ये फिर हमारी क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी थी इसलिए हमने सोचा कि इसको डिमोलिश करवाया जाए। तो जिस तरह के आप ये देख सकते हैं, तो ये देखें आप सरनी है ये, तो जिस तरह के अब ये बहुत पुरानी हो चुकी थी तो हमने इसको डिमोलिश करवाया। आप देख सकते हैं ये सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और वो नीचे भी लकड़ियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं। मज़दूर बुलवाए थे, उनसे हमने ये लकड़ियाँ यहाँ रखवाई थी, तो अभी वो चले गए क्योंकि खाना वगैरह हमने खाना था, तो ये सारा सेटअप वो कर गए। तो ये क्योंकि दादा बू के वक्त में उनने ये बनवाई थी सरनी, तो क्योंकि अब बहुत पुरानी हो चुकी थी, ये थोड़ी थोड़ी गिरना भी स्टार्ट हो गई थी, तो हमने इसको डिमोलिश करवाया है। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है क्योंकि ये जब पुराने ज़माने के लोग जब ये घर बनाते थे तो ऐसी जगह बनाते थे, जो क्योंकि तो दादा बू ने ये सरनी बनवाई थी तो तब इन चीज़ों का रिवाज था, तो क्योंकि अब ये इन चीज़ों का रिवाज नहीं रहा, तो हमारे क्योंकि घर के आगे ये लंटर बना हुआ था लेकिन एक ये जगह रह गई थी, तो जिसको हमने डीमोलिश करवाना हमारा ज़रूरी था क्योंकि जगह फिर आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी तो ज़ाया हो जाती। तो इंशाल्लाह ये काम पूरा होने वाला है बस इसका, और साथ साथ जब इसका जब आगे आगे इसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, और जब इंशाल्लाह जब ये कम्प्लीट हो जाएगी तो फैमिली के मीटिंग होगी फैमिली की एक, और उसमें वो डिस्कस करेंगे कि इस पे लिंटर डलवाना है, तो एक फैमिली की आगे मीटिंग होगी और इंशाल्लाह आगे जाके इसका लिंटर डलेगा, कंक्रीट लिंटर, और फिर ये कंक्रीट की होगी, और जब इसका कंक्रीट लिंटर डलेगा तो मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा, और इंशाल्लाह मैं आपको इसकी पूरी वीडियो आगे अपलोड कर दूँगा जब ये बनाए लंटर इसका डलेगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।